अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेसिक मैथ्स में आज असा मिक्स्ड फ्रैक्शन दिनल है, इनके असा तब्दील कदी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी गडियल अणपुर में उगते अणपुर में इनके असा तब्दील कदी। इन पे वीडियो में असा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी उगते अणपुर में गडियल अणपुर में कढ़ सीखियासी। अज अस इन उलट कदी यानी मिलल रकम मिक्स्ड फ्रैक्शन में यानी गडियल अणपुर में रकम मिलल है, इनके असा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील कदी। तो इन तब्दील करण का पैं जे नवा जिन असो ये चैनल हिंसर तीन सब्सक्राइब न किया है तो असाजे इन यूट्यूब चैनल मैथ स्किल्स के सब्सक्राइब कर वो और वीडियो पसंद अची वे तो इनके लाइक भी कर दोस्तों से इनके शेयर कर ताकि वो भी इनमें हासिल फायदा हासिल कर खास तौर पर बिगनर्स जे शुरू का सीख चाहन था। अचो तो कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तब्दील था क्योंस इनको फार्मूलो तक लिखी दें, सिर्फ एक हिसाब में असम फार्मूले तहत कदी वो फार्मूलो तुम जहन नशीन कर छो डायरेक्ट इन हिसाब के हल कर सको। ऐसो ये जो सजो अदद दिनल यो अस जरब कदी कैसा इन डिनोमिनेटर से इतने फार्मूलो लिखूस था होल नंबर होल नंबर मल्टीप्लाय यानी जरब कदी अस होल नंबर कैसा कदी छेद से यानी डिनोमिनेटर से और कदी ये जो अंश आ यानी न्यूमरेटर यो अस जोड़ कदी भांगे में डिनोमिनेटर जो है यो साग्यो रहो हाँ फार्मूलो लिखी छोड़ो सी हाँ तीन मुताबिक इनके सेट था क्योंस ऐसो होल नंबर आ यानी होल नंबर एक है जरबिया डिनोमिनेटर जरब क्योंस डिनोमिनेटर से यानी डिनोमिनेटर ब है छेद ब है वरी पोरी प्लस आ न्यूमरेटर यानी जोड़ता क्यों न्यूमरेटर यानी न्यूमरेटर घणो आ एक भांगे डिनोमिनेटर यानी छेद आई छेद है असो घणो ब डिनोमिनेटर है ब हाँ जर इन मैथमेटिक्स के उसूल मुताबिक पहले अस जरब छाइंदा ये ऐसो एक दू ये थो ब में एक अस जोड़ कदी थी टे तो टे भांगे ब ये ऐसो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील थो तो बस ये ही है इन जो एंसर। तो उम्मीद है कि फार्मूलो तुम सुठे नमूने से समझी आया होंद हाँ बाकी खुद ही डायरेक्ट जो कर वो कड़े नमूने से ऐसो छेद सागो रो छेद सागो रखासी सजे दद के इन जरब कर ही जोड़ कर छींदी टिटी नव बारह तमाम आसान। वीडियो के पॉज कर खुद ही बया हिसाब हल कर ऐसो इतने सागे नमूने से छेद सागो इन डिनोमिनेटर चार सागो थो इनके इन तरफ कर जोड़ कर छोड़ो बिचों अठ इंक नौ नौ भागे चार बस एंसर थो ही वरी चौथे नंबर से अचो छेद सागो यानी पंज इनके यानी सजे अदद के जरब कर छेद से एक वरी जोड़ कर छोड़ो टिपंजा पंद्रह पंद्रह चार उणी उणी भागे पंज ऐसो तब्दील थो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पंज नंबर से अचो सत सागया सत सत्ता उणवंजा उणवंजा चार टेवंजा बस ये ही आंसर आ वही ऐसो कोशिश किया तो इन का पे जो पार्ट किया तो वे साग रकम हुई लिखन ताकि समझ में अचे इम्प्रॉपर के मिक्स्ड में मिक्स्ड के इम्प्रॉपर में कि तब्दील तो तुम चेकिंग कर सोता उनो हि सागो रो यार यार सजो दद के छेद से जरब कदी यार यार से जरब कदी सौ एक्वी थी सौ एक्वी में सत जोड़ कदी तो सौ अठावी थी
उम्मीद है ती लेक्चर तक सुठे नमूने से समझ में अची हों। नेक्स्ट वीडियो तीन इजाजत दींदा। अल्लाह हाफिज़।